हाई एवरी वन दिस आज का जो टॉपिक हमारा जीब्रा लोचेस पे है तो पहले मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग अपने घर पे एक्वेरियम रखते हैं राइट right? एक्वेरियम में आप फिशेज रखते होंगे अब देखिए 148 फोर्टी एट जीब्रा लोचेस जो है वो ये रिपोर्ट बता रही है एक्सपोर्ट होती हैं हर दिन वेस्टर्न घाट से ग्लोबल पेट ट्रेड के लिए क्योंकि इसको एज अ पेट ही लोग रखते हैं तो इस ट्रेड के लिए 148 फोर्टी एट जीब्रा लोचेस हर दिन वेस्टर्न घाट से एक्सपोर्ट होती हैं तो जीव्रा लोचेस के बारे में हम डिटेल में जानेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कनेक्ट आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टू क्या दी कैन मेक अज डिफरेंस चाहे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा तो देखिए जो चीज़ मैंने आपको बताई वही लिखी है यहाँ पे लेकिन अब यहाँ पे आपको एक नई चीज यहाँ दिख रही होगी कि ये एंडेंजर्ड भी है पेट ट्रेड के लिए जा तो रही है बट एंडेंजर्ड है क्लोज टू एक्सटेंशन अगर कंजर्वेशन एफर्ट्स नहीं लगे तो अब जीब्रा लो जिस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं जीब्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी बॉडी पे देखिए इस तरह के ब्लैक पैचेज होते हैं बहुत ब्यूटिफुल ज़िब्रा लोच देखने में लगती है आपको एक्वेरियम में लोगों के घर दिखेगी लेकिन इसकी जो फिशिंग है वो अनसस्टेनेबल तरीके से की जा रही है राइट right? और वेस्टर्न घाट से किया जा रहा है ये सब लोगों के फिश टैंक्स को और भी ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए अभी हमारे पास कोई भी इस तरह की एग्जिस्टिंग पॉलिसीज नहीं है लॉज नहीं है जो हमें बताए कि ऑर्नामेंटल फिशेस को कैसे रेगुलेट किया जाए अभी देखिए ट्रेड तो लीगल है इसमें कुछ इलीगल वाला काम नहीं है लीगल ट्रेड है लेकिन अनरेगुलेटेड है कितना होना चाहिए उस पर कोई रेगुलेशन नहीं है वेस्टर्न घाट्स के बारे में मैं आपको बता दूँ अरेबियन बेसिन के साथ साथ जो माउंटेन रेंजेज़ हैं ये वेस्टर्न घाट्स हैं आपके पूरे नॉर्थ एन वेस्टर्न घाट सेंट्रल वेस्टर्न घाट नीगलगिरीज साउथ एन वेस्टर्न घाट ये सब आपके वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया है बहुत ज़्यादा मेगा बायोड बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीशीज यहाँ से मिलते हैं वैसे रिसेंटली अराउंड पाँच से ज़्यादा स्पीशीज इंडिया ने फॉन आके एनिमल स्पीशीज इंक्लूड किए हैं और उनमें से मैक्सिमम जो टॉप स्टेट से मिले हैं वो है केरला और कर्नाटका तो ये आपका वेस्टर्न घाट वाला एरिया ही है कमिंग बैक टू टॉपिक अब जो स्टडी है उसमें एनालिसिस ये है कि जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डेटा है लाइव एक्वेरियम फिश का किस टाइम से किस टाइम तक हम बात कर रहे हैं अप्रैल 2012 से लेकर अप्रैल अप्र सॉरी मार्च 2017 तक फाइव इंडियन सिटीज से वो हमको बताता है कि एज मैनी एज़ टू लाख सिक्सटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टेन जीब्रा लोच जो है इंडिविजुअल्स ये एक्सपोर्ट हुए हैं इंडिया से सोलह अलग अलग देशों के लिए पाँच सालों में और ये ट्रेड वॉल्यूम जो है इससे रिजल्ट निकलता है कि हर दिन वन एट यहीं से ये नंबर निकाला गया है ज़ीब्रा लोचेस देखिए ये अप्रैल ट्वेंटी टाइम फ्रेम क्या लिया है टू थाउजेंड 12 से लेकर 2017 तक तो यहाँ पे बांग्लादेश में कितने गए कनाडा में कितने गए ओके जर्मनी जापान नीदरलैंड्स थाईलैंड्स का डेटा आप देख सकते हैं अब रिसर्चर्स ये भी बताते हैं कि बायोडाइवर्सिटी रेगुलेशंस जो हैं वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो रही वाइल्ड लाइफ ट्रेड लॉज जो हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आपको दिखती है क्योंकि टू में ही इस फिश को एंडेंजर्ड बताया गया बाई आई लेकिन इसको अभी तक साइट्स के जो लिस्ट है वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है जीब्रालोज के बारे में मैं आपको बता दूँ जीनस बोशिया के अंदर ये आता है मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको लिस्ट किया है एज कमर्शियली इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर ऑर्नामेंटल फ़िश ऑर्नामेंटल यानी सजाने के पर्पज़ में काम आने के लिए ये कमर्शियल इम्पॉर्टेंट फिश है एंडेमिक स्पीशीज़ भी है एंडेमिक यानी ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया में ही पाई जाती है एक पर्टिकुलर जोग्राफिक लोकेशन में पाई जाती है और जो महाराष्ट्र का कोयना रिवर बेसिन है नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स में जीब्रा लोच को क्या कहा जाता है यहाँ पे वाघ्या वाघ्या क्या है मराठी में टाइगर को बोला जाता है क्योंकि इसकी बॉडी पे टाइगर लाइक स्पीशीज़ है जीब्रा लोच है या टाइगर लाइक स्ट्राइप्स आपको इस पर दिखती हैं अब ये टॉप कंट्रीब्यूटर्स है फ्रेश वाटर फिश जितनी भी इंडिया से एक्सपोर्ट होती है उसमें टॉप कैटेगरी में आती है थर्टी थ्रेटन स्पीशीज़ हैं जिसमें जीब्रा लोच भी है तो ऑलमोस्ट आपके 1.5 मिलियन इंडिविजुअल्स हैं जो एक्सपोर्ट हो टू थाउजेंड फाइव से 2012 की अगर बात करें इसमें 151 फिफ्टी वन ज़ुब्रा लॉच है जो ऑलमोस्ट हर दिन जैसे 148 नंबर दिया अगर आप थोड़ा 2005 से 2012 की बात करें तो 151 नंबर आता है आपका जो हर दिन इंडिया से ग्लोबली एक्सपोर्ट हुए हैं तो दैट मीन्स वन ये वाला जो फिगर है 2005 से 2012 तक आप क्या लीजिए 151 फिफ्टी जीब्रा लोचेस हर दिन एक्सपोर्ट हुए हैं फिर 2012 से 2017 ले लीजिए तो 148 फोर्टी एट जीब्रा लोचेज एक्सपोर्ट हुए हैं तो ऑलमोस्ट आर क्लोज नंबर्स तो इतना ट्रेडिंग इनका पर डे होता है तो देखिए यहाँ पे एक्सपोर्टेड पर ईयर बिटवीन अप्रैल से मार्च का डेटा आपको देखने को मिलेगा टोटल कितना हुआ है तो देखिए सिक्सटी सिक्स थाउजेंड फिफ्टी एट थाउजेंड कितने कितने नंबर में इनकी ट्रेड हुई है अब ये मोस्ट वाइल्ड कॉट एक्वेरियम फिश है जिनको लोग रखते हैं इंडिया में ईस्टर्न हिमालय वेस्टर्न घाट्स में ये आपको मिलेगी हॉट स्पॉट्स है फ्रेश वाटर बायोडावर्सिटी और एंडेमिज्म यानी ये एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है वनरेबल स्पीशीज है एंडेंजर्ड स्पीशीज है इसको साइट्स में भी इंक्लूड किया जाना चाहिए ये रिकमेंडेशन है कि अगर आपको इस तरह से सवाल आए वाइल्ड लाइफ पे आए या पर्टिकुलरली मेंस में जीब्रा लोच के बारे में पूछा जाए या आप एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर इस तरह से पेट ट्रेड हो रहा है कैसे रेगुलेट किया जाए तो ऑब्वियसली इसको साइट्स में भी इंक्लूड करना चाहिए ताकि इसका एक्ूरेट्स एक्सपोर्ट लेवल डेटा कितनी Uh, इसको हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए ये हमें पता चले क्योंकि देखिए यहाँ पे ज़रूरत है सस्टेनेबल फिशिंग की कि कितना सस्टेनेबल है ताकि इसका नंबर इतना भी डिक्लाइन ना हो जाए कि ये एक आने वाले समय में कभी एक्सटिंक्ट हो जाए अब साइट्स की हम बात कर रहे हैं फुल फॉर्म क्या है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोन आन फ्लोरा ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बीच में ताकि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स में और प्लांट्स में ऐसी ट्रेड भी ना हो रही हो कि उनके सर्वाइवल को थ्रेट मिले तो अगर इसको जब तक हम साइट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे तो इसकी ट्रेड पे रेगुलेशंस नहीं लग पाएंगी सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम इसको एक्सटेंशन से बचाना चाहते हैं क्योंकि यही कंसर्न है कि इसी तरह से क्रेड होती ट्रेड होती रही स्पेशली ब्रीडिंग सीजन में ब्रीडिंग सीजन में आप एडल्ट फिशिज़ को ले जाएंगे इमेच्योर फिशिज़ बचेंगी जो ब्रीड नहीं कर पाएंगी तो इनकी पॉपुलेशन जो है वो गिरती जाएगी काफ़ी डिक्लाइन देखने में हमको मिलेगा और देन वी विल पुश द स्पीशीज क्लोजर टू एक्सटेंक्शन एक्सटिंक्ट हो जाएगी तभी मैंने आपको कहा कि ट्रेड लीगल है लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है अनरेगुलेटेड है स्पीशीज ऑलरेडी एंडेंजर्ड है ये वाली स्पीशीज़ लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है एंडेमिक है कुछ ही एरियाज में पाई जाती है स्पेशली वेस्टर्न घाट्स में इसलिए इसको कंजर्वेशन एफर्ट्स इसके लिए और ट्रेड रेगुलेट होना बहुत इम्पोर्टेंट है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सेंटर्स की बात करें पांच इंडियन सिटीज़ हैं फॉर विच एयरपोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डेटा वॉज अवेलेबल तो पांच इंडियन सिटीज़ से यहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डेटा लिया गया ये सिटीज़ हैं कोलकाता जो कि टॉप एग्जिट साइट मिली हाईस्ट नंबर जीब्रालोज कंसाइनमेंट्स का यहीं से एक्सपोर्ट हुआ उसके बाद बेंगलुरु मुंबई चेन्नई और कोची और किन देशों को सबसे ज़्यादा हुआ सिंगापुर में मोस्ट जा रहा था सेवेंटी थ्री पॉइंट फाइव जीरो फाइव परसेंट और ट्रांजिट हब फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन जीब्रा जीब्रालोच इंडिविजुअल अक्रॉस द ग्रोप सिंगापुर मतलब तो ट्रांजिट भी था कि यहाँ पे जा भी रहा है और यहाँ से फिर आगे देशों में भी जा रहा है तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई कौन से एयरपोर्ट से सबसे ज़्यादा कोलकाता देन बैंगलोरू तो आप परसेंटेजेस देख सकते हैं जहाँ से लॉज एक्सपोर्ट होती है अब ये एनालिसिस जो हमने अभी किया ये हाई, क्या हाईलाइट कर रहा है डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स ऑफ जीब्रा लोज फ्रॉम 2016 टू 17 कि एक बार तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ लेकिन 2016 से 17 के बीच में हमने देखा कि डिक्लाइन हुआ है ओवर फिशिंग की वजह से कि अब लोग इसको इतना नहीं पकड़ पा रहे अब इसके यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि भाई इसका अगर एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन हुआ है तो शायद लोगों को कुछ सस्ता ऑल्टरनेटिव मिल गया है तो ऐसा नहीं है सस्ता ऑल्टरनेटिव नहीं मिला है इसकी पॉपुलेशन एक्चुअली डिक्लाइन हो गई है गिर गई है ओवर फिशिंग की वजह से इसलिए इसकी ट्रेड में भी डिक्लाइन हमको दिखा है तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है कि ये जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है हमको इसको रोकना है अर्जेंटली आर्टिफिशियल ब्रीडिंग प्रोग्राम जो जीब्रा लोच के हैं ऑर्नामेंटल फिशेज के हैं उनको डेवलप करना चाहिए ताकि हम इनको वाइल्ड से कलेक्ट ना करें पानी में जो इनका घर है वहां से कलेक्ट ना करें और जो स्पीशीज है ब्रॉड में इसका डिमांड है इसलिए हम इसको कमर्शियल लेवल पे ब्रीड करवा सकते हैं और एक सस्टेनेबल ट्रेड की तरफ जा सकते हैं और यही वक्त है जब लोगों को भी अवेयरनेस दी जाए कि इसको कंजर्व करना है और कैप्टिव ब्रिड फिश रादर देन वाइल्ड कॉट यानी कि अगर आप एक्सपोर्ट भी करना चाहते हो तो उसकी कैप्टिव ब्रीडिंग करो जो वाइल्ड में प्रेजेंट है उसको कलेक्ट मत करो इसका अवेयरनेस भी हमको लोगों को देना होगा अब आपके लिए सवाल क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन

बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज की जानकारी के लिए स्मार्ट कोर्सेज ए एम आई पर भी अवेलेबल है नीचे जो नंबर दिया है उस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं थैंक यू सो मच